सुबह लगभग 7:30 से 8:30 बजे के बीच घर से हम अपने बाइक लेकर के घोड़ा बांधा के लिए निकले। माननीय अर्जुन मुंडा जी की सूचना मिली है कि कल आए हुए हैं और आने से हम लोग हर एक बार मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो हम इसलिए थोड़ा सा पहले निकले कि थोड़ा सेविंग वेविंग करा लेंगे, उसके बाद उधर थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद में घोड़ा बांधा। हम लोग सुमित शर्मा, प्रकाश सांडिल, इन लोगों से कल ही बात हो गया था कि कल हम लोग को माननीय मुंडा जी से मिलने जाना है। घर से निकलने के हमको लग रहा है 500 मीटर का दूर होगा, हमारा स्कूल है बगल में, वहाँ कोना में दो आदमी मेरा रेकी कर रहा था। हमको हाथ दिया तो हम बोले क्या बात है, हम तो अनजान चेहरा देख के नहीं रोके, लेकिन वो हमारा हैंडल में पकड़ लिया। पकड़ा तो जैसे एक आदमी पकड़ा वैसे ही हमको एक आदमी माथा में एक रड पकड़ा हुआ था, माथा में मारने का कोशिश किया तो हम अपना सर को एक तरफ झुका लिए, जैसे झुकाए वैसे उसके बाद में फिर यहाँ बाँह पर मारा। बाँह में मारने के बाद में हम समझ गए कि ये लोग मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। हम पहले तो समझ नहीं पाए थे कि ये लोग है कौन, हम सोचे कोई जाने पहचान आदमी होगा, लेकिन जब मारना चालू कर दिया तो हम अपना बाइक को वहीं पटक दिए और पटकने के बाद में हम उल्टा दिशा में फिर अपने घर के तरफ भागने लगा। उसी भागने के क्रम में हमको लगातार 5-6 रड हमको रड से मारा, और हम जब भागने लगे जब उधर हमारा घर की तरफ में तो भागने लगे तो वो लोग उल्टा दिशा में वो लोग भी भाग गया और इस तरह से मार के भाग गया है। कुछ लग रहा है कोई है, किसी को आप जानते हो दोनों में से, कौन मोटरसाइकिल में थे? मोटरसाइकिल जो है बाइक था, हीरो होंडा होगा, अब बाइक का नंबर उम्बर तो नहीं देखे ना ही बाइक। कहाँ चोट लगी है आपको? मेरा हाथ जो है बायां हाथ बाँह में मारा है, बायां हाथ यह पूरी तरह से टूट के झूल गया है पूरा, मतलब पूरे दो टुकड़ा कर दिया है, दो पीस हो गया है। अभी आप लोगों ने थाने को सूचना दे दी है ना? थाने को सूचना दे दिया गया है, अभी तक थाना नहीं पहुंची है और यहाँ भी अभी एक्सरे हो गया है, अभी इलाज आगे इलाज कराएंगे। और ये हमला जो है पूरी तरह से हम किसी से दुश्मनी लेते नहीं हैं, सबसे हम सबका समाज सेवा के लिए काम हमेशा करते हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। इसके बावजूद भी मेरे ऊपर में जो भी हमला हुआ है ये हमला जो है राजनीतिक हमला है और हम लोग जो भी